संसार में तो है नश्वरता और भगवान में है शाश्वतता, संसार में है अनित्यता और भगवान में है नित्यता, संसार में है विकारी आकर्षण और भगवान में है नित्य नवीन रस निर्विकारी रस। तो ये हरि ओ हरि का हरि शब्द ह और आखिरी में आता है म, तो उसके बीच का जो उच्चारण है उसमें मन से निसंकल्प हो जाता है, तो निसंकल्प हो जाता है तो तत्व रहता है, परमेश्वर सत्ता रहती है। तो परमेश्वर प्राप्ति के निमित्त अगर ये किया जाए तो परमेश्वर सत्ता से बुद्धि परमेश्वर में विश्रांति पाने लगेगी। जैसे लोहा अग्नि में विश्रांति पाए तो लोहा अग्नि रूप हो जाता है, ऐसे बुद्धि परमात्मा में विश्रांति पाए तो परमात्मा का एक नाम रित, रित माना सत्य, तो रितम भरा प्रज्ञा बन जाती है। रित से माना सत्य से भरी हुई प्रज्ञा, और सत्य स्वरूप के आगे तीन काल नहीं होते। सत्य स्वरूप तो काल का भी काल है, तो तीनों काल के जानने वाले भगवान आकाश पाताल में है, इधर नहीं है, वही भगवान जो है वही मेरा आत्मा होके बैठे, ऐसा बुद्धि में प्रकाश और बल आ जाएगा। तो रित जो होता है ना सत्य, उस सत्य में बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाए तो रहस्यों के रहस्य प्रकट होने लगते। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए।